friends, that is China. And China has given us nothing. Yet we are beating its drum day and night. And we are dancing to the tunes. Pa, ki, do, ki, cho, cha, to, ta, po, pa. Lekin they have not given us any money. पाकिस्तानी मीडिया में इस एंकर जैसा अंदाज किसी का नहीं है। अंदाज भी अच्छा है और जो चीज़ें ये बताता है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर चीन को लेकर पाकिस्तान में जो जो इसने बातें की कि चीन हमें पैसा देता है एज अ लोन, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखता है, कोई ना कोई सरकारी बिल्डिंग गिरवी रखता है या एयरपोर्ट या तो फिर मतलब कोई एरिया ही गिरवी रख लेता है, लेकिन अमेरिका जो हमें पैसे देता था वो लोन नहीं देता था, वो एक ऐड होती थी, मतलब वो भीख होती थी और उस वो पैसे हमें वापस नहीं करने पड़ते थे। इस तरीके की ये बातें करता है और ये भी बताता है कि भाई किसी तरीके से आप यूएस से अच्छे रिश्ते कर लो तो आईएमएफ और ये एफएटीएफ ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको सब चीज़ में आसानी हो जाएगी। बात तो ये बिल्कुल सही करता है, लेकिन आपको भी पता है कि चीन अब पाकिस्तान का नया बाप है। चीन की जो पोजीशन है पाकिस्तान में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सीपैक का आधे से पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि है क्या, आधे से पाकिस्तान के जो नेता है उनको भी नहीं पता कि सीपैक है क्या। बस सीपैक बन जाएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, दुनिया देखेगी, यहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इस तरीके की बातें पाकिस्तान में होती है। लेकिन उन्हें खुलकर भी नहीं पता कि सीपैक है क्या और सीपैक का काम का भी अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि होना क्या है। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। अपनी माली और माशी परेशानियों के मुतालिक सोचता रहता है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है भाई, बस कर दो यार, बस कर दो। अब और मिनी बजट का इंदिया दे दिया। अब आप मुझे सच बताओ, क्या हम एक और मिनी बजट के मुतहम्मिल हो सकते हैं? मैं प्लीज़ आपसे गुजारिश करता हूँ यार, ये प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, ज़िद छोड़ दो। आप जब तक देखो, जब तक आप वेस्ट के साथ अच्छे अंदाज के अंदर बात नहीं करोगे, उनके साथ दोबारा से ताल्लुकात रवाबित ठीक नहीं करोगे, वो आपका वो हाल करेंगे जो तुर्की का किया। तुर्की थी ना, बड़े अर्तुगल बने हुए थे ना, टेन टेडन टेन टेन टेडन टेन अर्तुगल सल्तनत उस्मानिया वापस लाएंगे। अमरीका वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया टर्की का। टर्की को देख के खुशी को देख के खुश होते थे ना, हम टर्की के दोस्त बनेंगे, अर्दुआन के नारे लगाते थे, डिस्को डांस करते थे, अर्दुआन आ गया, अर्दुआन आ गया, हैं तैयब अर्दुआन हमारे लिए मिसाल है। यकीन करो, उन्होंने टर्की की मईशत को इतने ठुड्डे मारे, जूते मारे, बर्बाद कर दिया टर्की को। जो आप पुर्तगाल बने हुए थे, पूरी कौम पुर्तगाल बनी हुई थी, अपने कबीले कौमें छोड़ दी थी, सब काई कबीले के लौंडे बच्चे बन गए थे। सॉरी टेकन वर्ड्स बैक। बात यह कि सब बन गए, पागल हो रहे थे ना टर्की के पीछे। They have destroyed Turkey's economy. They have destroyed it. Why? Because absolutely not. Turkey was also absolutely not. तो उन्होंने फिर ऐसा बेड़ा गर्क किया टर्की का कि टर्की के लोग परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया हमारा और यार इससे साल ना करो, हमारा बेड़ा गर्क ना करो। टर्की के लीरा का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों आप यार बेवजह महाज नहीं खोलें? क्यों आप ऐसी बिग पावर प्ले के अंदर पड़ रहे हैं? आपने अब ये मिनी बजट लाओगे, बेड़ा गरक हो जाएगा। ये मिनी बजट क्यों आएगा? आईएमएफ के फरमाइश पे आएगा, या आपके टैक्स टारगेट मीट नहीं हो रहे, या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है, क्लियर कट। अभी मैं इदरीस गिगी की तरफ जाऊंगा, जो कि माशी तजिया कार भी हैं, माहौल को देख भी रहे हैं बड़े गौर से। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इदरीस गिगी साहब। बात यह है कि हमारे यहाँ नो बडी हैज द गट्स टू से दिस, but in reality the Turkey model is an example for those who are showing their defiance to the west. Their revenge will not come in form of weapons, tanks and planes. It will come in the form of devaluation of your local currency, your isolation in the international world, and a mistrust that will be created by western countries. It is unfortunate कि हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ठीक नहीं है। सर हम ठीक कर लें, मेरा ऐसा ख्याल है, आप अपनी राय दीजिएगा, हम अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ठीक कर दें, मामला ठीक हो जाएंगे, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट आपने बात जिस अंदाज में शुरू की है वैसा है, लेकिन हम बीइंग कौम, एक अच्छी कौम, हम हर चीज में उनको यस सर भी नहीं कह सकते हैं। हमें अपनी जो डिग्निटी है, हमारी इज्जत है, उस अपना वकार को बुलंद रखते हुए भी उनसे निगोशिएशंस करने चाहिए। नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान बहरान का शिकार है,
वजह मैं तमाम तर इस गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकता। ये इंटरनेशनल सिनेरियो है, इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है जहां पे पाकिस्तान के साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक भी इस लपेट में हैं। नो डाउट पिछले 2-3 सालों में जो स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और दूसरी सूबों की गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे पॉलिसीज लाए जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज चलती रही और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया, बिजनेस बूम किया। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 23% एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल 23% एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। आप अगर IT के शोबे में और सर्विस इंडस्ट्रीज के शोबे में बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले साल तकरीबन 450 मिलियन $ का IT सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया था और इस रवा माली साल में पिछले 3 महीनों में तकरीबन 550 मिलियन या इससे ज्यादा का एक्सपोर्ट कर नहीं, चुका है। इदरीस साहब, यहां पर मैं थोड़ी माजरत, एक लुकमा, एक छोटा सा लुकमा आपको देना चाहूंगा। सर देखें, ये वाली गवर्नमेंट जो है, इसकी काबीना जो है, दे आर वेरी हाईली इंस्पायर्ड बाय मुशरफ। इनफैक्ट इफ यू विल सी मोस्ट ऑफ द पीपल इन कैबिनेट, यू वुड सी द सेम फेसेस एज यू हैड सीन ड्यूरिंग मुशरफ एरा। मुशरफ आल्सो केप्ट दिस कंट्रीज इंटेग्रिटी अलाइव, बट ही डिड निगोशिएट विद द वेस्ट एंड ही डिड कम अप विद अ गुड डील दैट डिड वर्क आउट फॉर दिस कंट्री। I don't know whether you would agree or you know, or you won't agree. जी देखें, उस वक्त की सिचुएशन अलग थी। उस वक्त उनको पाकिस्तान का साथ चाहिए था, उनको उस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रूप इस्तेमाल करने थे। इस वक्त सिचुएशन बदल गई है। इस वक्त उनकी कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान में कि जिसके तहत वो हमारे सामने घुटने टेकेंगे। यही शौकत अजीज साहब थे जो पहले निगोसिएशंस करते थे, अपनी तकरीरों में इन्होंने बुलाया, हमारी बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग में भी उन्होंने ये बात का जिक्र किया था कि पहले की सिचुएशन और आपकी सिचुएशन में बहुत फर्क है। अभी पाकिस्तान के पास कोई सिक्का नहीं है जिसको यूज करके उनको जो है वो इंस्पायर कर सके, उनके घुटने टेक सके। अभी जो जिस बहरान का शिकार है, इस वक्त इंटरनेशनल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इस वक्त जो है कम्युनिटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है छोटी सी छोटी चीज भी इंपोर्ट करने पे वो है। अभी तक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरीके से होना चाहिए और इस पर कसूरवार सिर्फ 2-3 सालों वाली गवर्नमेंट का नहीं है, ये 40-30-40 साल से ये हमारे पास है। अब आप देखेंगे गैस का बहरान है, इंडस्ट्रीज के पास ऑर्डर है। मैं अगर अपनी बात करूं, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग इकोनॉमिस्ट, हमारे पास काम है लेकिन इस वक्त ना फ्यूल है, इस वक्त ना गैस है, ना इस वक्त पानी है। इसके माने ये द प्रॉब्लम एग्जिस्ट जो है, इट मींस द प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड इट एग्जिस्ट विद आवर करंट फ्रेंड्स दैट इज चाइना। And China has given us nothing, yet we are beating its drum day and night, and we are dancing to the tunes. Pa ki do ki cho cha to ta po pa. Lekin they have. Nazreen, welcome back after the break. हमारी break पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी इदरीस गिगी साहब के साथ, जो कि तफसीली तौर पर बता रहे थे कि मईशत के क्या क्या मसाइल हैं और ताजर सनतकारों को किस किस मसाइल किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप जनाब साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब, स्पोक्स पर्सन भी हैं ये जनाब नवाज शरीफ साहब के, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, दोनों के स्पोक्स पर्सन हैं। और मोहम्मद जुबैर साहब से मैं बात करने से पहले उनकी आज की ट्वीट के मुतालिक बात करना चाहूँगा जो मेरी बात की तायद कर रही है, जो मैं इतने अरसे से शोर कर रहा हूँ। ये ट्वीट दिखाइएगा मोहम्मद जुबैर साहब की आज की, जिसमें कर्ज और वाजिबात के दरमियान मवाजना करके बताया गया है 2018